स्टूडेंट माई नेम इज मनीष। टूडे वी शैल डिस्कस अबाउट, आज मैं बताने वाला हूँ क्लास ट्वेल्थ एमपी बोर्ड फिजिक्स क्वेश्चन बैंक चैप्टर नंबर 3 यूनिट नंबर 2 के क्वेश्चन बैंक को एक्सप्लेन करने वाला हूँ इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। स्टूडेंट को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले, साथ ही साथ बेल आइकॉन बटन को प्रेस कर दीजिए ताकि स्टूडेंट को नोटिफिकेशन मिलने में कोई प्रॉब्लम ना हो। हमारे सोशल लिंक के साथ जुड़कर इसके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल के माध्यम से इसके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक डॉक्यूमेंट में दिया गया है, वहाँ पर जाकर इसके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। आज मैं बताने वाला हूँ करंट इलेक्ट्रिसिटी यानी कि विद्युत धारा के अंतर्गत क्या क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन बैंक में क्या क्वेश्चन दिया गया है इंग्लिश में एक्सप्लेन करने वाला हूँ आपको। तो चलिए बात करते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले इनका मार्किंग सिस्टम देखते हैं। चैप्टर नंबर 3 है, यूनिट नंबर 2 है करंट इलेक्ट्रिसिटी। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 1, फिल अप होंगे 1 वेरी शॉर्ट आंसर यानी कि 2 मार्क्स, 1 शॉर्ट आंसर होगा 3 मार्क्स और एक होगा लॉन्ग आंसर 5 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। टोटल 12 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी विद्युत धारा के अंतर्गत। सबसे पहले देखेंगे चूज द करेक्ट आंसर, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव, सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला क्वेश्चन है करंट इज अ कंडक्टर इज ड्यू टू, करंट इज अ कंडक्टर इज ड्यू टू मोशन ऑफ द पॉजिटिव आयन, मोशन ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन्स, मोशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स, नन ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 2, द कंडक्टिविटी ऑफ सुपर कंडक्टर इज इन्फिनिटी, वेरी लेस, वेरी लार्ज, 0। 4 ऑप्शन 1 करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, इन द सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ टू रेजिस्टेंस विच क्वांटिटी रिमेन सेम, ओनली पोटेंशियल डिफरेंस, ओनली करंट, करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस बोथ, नाइदर करंट नॉर पोटेंशियल डिफरेंस। क्वेश्चन नंबर 4, अ वायर इज स्ट्रेच रीडबल इट लेंथ इट रेजिस्टेंस विल बी, ऑप्शन है हाफ, डबल, वन फोर्थ, फोर टाइम्स। अ वायर इज स्ट्रेच रीडबल्ड इट्स लेंथ इट्स रेजिस्टेंस विल बी हाफ, डबल, वन फोर्थ, फोर टाइम्स। इसके भी आपको 1 करेक्ट आंसर आपको चूज करने हैं। इनके आंसर आपको बहुत ही जल्द प्रोवाइड किया जाएगा, तब तक आप लोग वेट कीजिए, इंतज़ार कीजिए, आपको लगातार अपडेट मिलता ही रहेगा चैनल के माध्यम से। तो टेलीग्राम चैनल और यूट्यूब चैनल को ज्वाइन अवश्य कर ले। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफ ओमिक रेजिस्टेंस, आपका जंक्शन ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर LED, उसके बाद कॉपर वायर। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज ओम, ओम इनवर्स, एम्पियर, एम्पियर इनटू मीटर। उसके बाद है फिल इन द ब्लैंक्स, द SI यूनिट ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट इज, विभव प्रवणता क्या होता है, उसका SI मात्रा क्या होता है, इट हैज रेजिस्टेंस डैश इज द बैलेंस स्टेट ऑफ द पोटेंशियोमीटर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है किरचॉफ फर्स्ट लॉ कंजर्वेशन, लॉ ऑफ द कंजर्वेशन अकॉर्डिंग विद द, आपका क्वेश्चन नंबर 4 हमें बताना है किरचॉफ सेकेंड लॉ। क्वेश्चन नंबर आपका 5 है मीटर से टू मीटर ब्रिज वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डैश, मीटर सेतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है, इलेक्ट्रिक करंट कौन सी यूनिट होती है, स्केलर क्वांटिटी या वेक्टर क्वांटिटी, सदिश राशि या अदिश राशि, इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी धारा घनत्व, विद्युत धारा घनत्व क्या होता है आपका, स्केलर क्वांटिटीज होता है या वेक्टर क्वांटिटीज होता है। उसके बाद आपके 2 मार्क्स के क्वेश्चन में पूछे जाएंगे राइट द ओम्स लॉ, ओम के नियम लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज इलेक्ट्रिक सेल, विद्युत सेल क्या होता है, नेम द टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक सेल, सेल के प्रकार लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज मेंट बाय ओमिक एंड नॉन ओमिक रेजिस्टेंस एक्सप्लेन विद एग्जांपल, आपको इसको बताना है ओमिक एंड नॉन ओमिक रेजिस्टेंस, ओमी प्रतिरोध और अनओमी प्रतिरोध में आपको डिफरेंसेस बताने हैं। उनके बाद वोल्टमीटर इज मच बेटर देन अ पोटेंशियोमीटर फॉर यूजिंग EMF
of cell. Voltmeter is much better than a potentiometer for measuring EMF of cell. उसके बाद आपका फिफ्थ क्वेश्चन है, लाइट ऑफ अ कार बिकम डीम व्हेन द स्टार्टर इज ऑपरेटेड बाय. क्वेश्चन रिपीट, लाइट ऑफ अ कार बिकम डीम व्हेन द स्टार्टर इज ऑपरेटेड बाय. उसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 3 मार्क्स के क्वेश्चन है, 3 रेजिस्टेंस है R1, R2 और R3 आर कनेक्टेड इन सीरीज. ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस. आपका ये सीरीज फॉर्म में भी है और पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए भी है. फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट क्वेश्चन आपका सीरीज कॉम्बिनेशन, सेकंड क्वेश्चन है पैरेलल कॉम्बिनेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन है, एस्टैब्लिश द रिलेशनशिप बिटवीन द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, पोटेंशियल डिफरेंस एंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल. एस्टैब्लिश द रिलेशनशिप बिटवीन द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, पोटेंशियल डिफरेंस एंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल. उसके बाद आपका न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, द स्टोरेज बैटरी ऑफ अ कार हैज एन EMF ऑफ 12 वोल्ट. इफ द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी 0.4 ओमेगा, वट इज द मैक्सिमम करंट दैट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी. आपका न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, एस्टैब्लिश अ रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, अनुगमन वेग. उसके बाद 5 मार्क्स के क्वेश्चन है, लॉन्ग आंसर है, एक ही क्वेश्चन आएगा इसके अंतर्गत. आपका लॉन्ग आंसर के अंतर्गत सारे क्वेश्चन IMP है. ये सारे क्वेश्चन 5 मार्क्स के अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर ले स्टूडेंट. तो आपके पास क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द एक्सपेरिमेंट टू डिटरमाइन द अननोन रेजिस्टेंस बाय मीटर ब्रिज ऑन द फॉलोइंग पॉइंट. आपको यहाँ पर रेजिस्टेंस बताना है मीटर ब्रिज ऑन द फॉलोइंग पॉइंट. एक्सपेरिमेंट के बेस पर सर्किट डायग्राम बनाना है, प्रिंसिपल यूज्ड फॉर्मूला लिखना है इनके अंतर्गत. अ लैक्लांसी सेल गेट बैलेंस ऑन द वायर ऑफ अ पोटेंशियोमीटर एट 280 सेंटीमीटर इफ अ डैनियल सेल इज ज्वाइन इन सीरीज विद लैक्लांसी सेल, देन द बैलेंस पॉइंट इज ऑब्टेंड एट 480 सेंटीमीटर. कंपेयर द EMF ऑफ 2 सेल्स. ये क्वेश्चन नंबर 2 है. क्वेश्चन नंबर 3, डिराइव द प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज, व्हीटस्टोन सेतु सिद्धांत को समझाइए. मोस्ट IMP क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन है किरचॉफ लॉ, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. राइट द किरचॉफ लॉ रिलेटिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट विद एग्जाम्पल. क्वेश्चन नंबर 5, प्रूफ ओम्स लॉ ऑन द बेसिस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी. फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी के बेस पर ओम्स लॉ को एक्सप्लेन कीजिए. नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब एन एक्सपेरिमेंट कंपेयर द EMF ऑफ 2 सेल यूजिंग अ पोटेंशियोमीटर अंडर द फॉलोइंग हेड, अंडर द फॉलोइंग पॉइंट. लेबल डायग्राम ऑफ अ इलेक्ट्रिक सर्किट, फॉर्मूला एंड प्रिंसिपल, ऑब्जर्वेशन टेबल. तो आपके 2 प्रैक्टिकली क्वेश्चन हैं, तो इनको आप अच्छी तरीके से इसको प्रिपेयर कर ले. नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर. हाउ डू यू इंक्रीज द सेंसिटिविटी ऑफ अ पोटेंशियोमीटर, यानी कि पोटेंशियोमीटर की सुग्राहिता बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए, और एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर, विभव मापी का सिद्धांत देखिए. तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और आपको कौन से सब्जेक्ट का इंग्लिश मीडियम में क्वेश्चन बैंक की रिक्वायरमेंट है आप कमेंट्स में सजेस्ट कीजिए. आपको जल्द ही कमिंग सून अवेलेबल कराया जाएगा. जब तक प्री बोर्ड नहीं हो जाते तो आपको सारा चीज़ों का अपडेट हो जाएगा. थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब हियर. थैंक यू.